मलाइका अरोड़ा के फादर का आज निधन हुआ है और उनकी डेथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। तो एक दिन पहले तो मलाइका अरोड़ा घर पर मिल के गई थी और उसके अगले दिन उन्होंने छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या राज था। तो पुलिस ने सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उनकी मदर जॉयस का। उन्होंने बताया कि हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका था लेकिन फिर भी हम कुछ सालों से साथ में ही रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जो मलाइका के फादर थे यानी कि अनिल अरोड़ा, वो डेली बालकनी में बैठा करते थे, पेपर पढ़ा करते थे। और वेंसडे की मॉर्निंग यानी कि आज सुबह जब मैंने उनके स्लीपर्स देखे लिविंग रूम में, तो मैं बालकनी में गई देखने के लिए कि वो बैठे हुए हैं या नहीं। तब उसी समय नीचे से चौकीदार चिल्ला रहा था, यानी कि वॉचमैन चिल्ला रहा था, शाउट कर रहा था हेल्प हेल्प। तो उन्होंने नीचे झुक करके देखा तो उनको अनिल अरोड़ा नज़र आए। तो इस टाइप से उन्होंने उनका स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया कि उनको कोई भी इलनेस नहीं थी, बस उनको नी पेन था और उन्होंने VRS लिया हुआ था नेवी मर्चेंट से, यानी कि उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। तो उन्होंने इस टाइप का कदम क्यों उठाया, ये अभी और मिस्ट्री बन गया है इनके स्टेटमेंट के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना, और इस टाइप की सेलिब्रिटी न्यूज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।